बिहार में तैयार हो रहा 8 मंजिला बस टर्मिनल। रामाचक बैरिया में बुडको बिहार के पहले अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण करा रहा है। इसे दिसंबर 2018 तक पूरा होना था, लेकिन तकनीकी परेशानियों के कारण अब इसकी डेडलाइन अक्टूबर 2019 कर दी गई है। 0 माइल से पटना गया रूट पर इसका निर्माण हो रहा है। 331 करोड़ की लागत से 25 एकड़ में काम चल रहा है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक बस टर्मिनल होगा। यहां से नेपाल व भूटान के लिए भी बस सेवा शुरू होगी। इस परिसर में वाटर और सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाया जा रहा है। बस स्टैंड का पूरा भवन ऊपर होगा। सारी बसें भवन के नीचे पार्क होंगी। पंप और मोटर, दो ट्यूबवेल, ओएसटी, वाटर टैंक, लॉरी हर वक्त कार्य करेगा। फ्री वाईफाई जोन होगा। खरीदारी के लिए 2.5 लाख वर्ग फीट में दुकानों की स्थापना की जाएगी। 3,000 बसों के लिए यहाँ हर दिन आगमन प्रस्थान की व्यवस्था होगी। 76 नगर सेवा बसों को ठहराव प्रतिदिन किया जा सकेगा। ड्राइवरों के लिए 40 डोमेट्री भी बनाई जा रही है। इस परियोजना के बन जाने के बाद बेहटा सरमेरा के बीच बन रहे नए बाईपास को इससे बड़ी राहत मिलेगी। राजधानी के विकास को देखते हुए NH30 के लोगों को शहर से आना जाना आसान हो जाएगा।